कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, पीएम मोदी जहरीले सांप जैसे। आप सोचेंगे ये जहर है या नहीं, उसे चखेंगे और मौत हो जाएगी। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुनिए। मत तप ती मोदी अंदर विषद हावितंगे विषय नोड़ स्वल्प नेक नोड़ नेक्री नेक्र सत्त इला विषयो इलो मोदी को मनुष्यना प्रधानमंत्री ना स्वल्प नोड़ नेक् नोड़ अंत आ विषयव नेक् नोड़े मलगे बिड़ती हे। अभी आपने सुना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा। कर्नाटक के कुलबर्गी में गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं, लेकिन यदि आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। इसके बाद रोन में हुई सभा में खड़गे ने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार राज्य को लूट रही है। यहाँ हर काम के लिए 40% कमीशन वसूला जाता है। भाजपा की सरकार उन लोगों को देश से भगाने में मदद करती है जिन पर घोटालों का आरोप लगा होता है। पीएम मोदी खुद भ्रष्ट लोगों को बचाने में लगे हैं। विवाद बढ़ा तो खड़गे ने दी सफाई। बयान पर विवाद होने के बाद खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ये उनके पीएम मोदी के बारे में नहीं कहा। मैं कहना चाह रहा था कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है, जिसे चाटने की कोशिश करेंगे तो मौत होनी तय है। पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस का मतलब झूठी गारंटी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कांग्रेस पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब है झूठी गारंटी, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार की गारंटी। इसके जवाब में खड़गे ने पूछा कि क्या पीएम मोदी के पास ये साबित करने के लिए कोई डेटा है कि कांग्रेस के वादे पूरे नहीं हुए। वहीं कर्नाटक सीएम बोले, खड़गे के मन में जहर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा कि खड़गे के मन में जहर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित दिमाग है। ये सोच हताशा के कारण आती है, क्योंकि वे पीएम से राजनीतिक रूप से लड़ने में असमर्थ हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये शब्द भले ही खड़गे जी के हों, लेकिन ये आस्था, ये विश गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के किसी नेता ने अभद्र टिप्पणी की हो। ऐसी टिप्पणी से उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की हार पक्की है। तमाम नेताओं ने इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस वीडियो को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।